हेलो स्टूडेंट, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी वेरी फाइन। इट्स स्टूडेंट्स, टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर बीकॉम थर्ड ईयर। एंड स्टूडेंट्स, टुडे आवर द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इज नंबर सिस्टम एंड कोड्स। ओके स्टूडेंट, ये स्टूडेंट आज हमारा बीकॉम थर्ड ईयर में जो है हमारा ये टॉपिक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। इससे पहले जो है हमने स्टूडेंट बीकॉम थर्ड ईयर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमने स्टूडेंट पढ़ा कि भाई ऑफिस ऑटोमेशन हम कैसे करते हैं, और यानी कि हमने पढ़ा स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक मशीन एंड ऑफिस ऑटोमेशन। ये स्टूडेंट हमारा सब्जेक्ट टॉपिक था। तो स्टूडेंट इसके ही सीक्वेंस में हम स्टूडेंट आज स्टूडेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम्स। ठीक है स्टूडेंट, नंबर सिस्टम क्या होते हैं, इसके इसके क्या टाइप्स हैं, और मतलब हम जो है इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इनके कन्वर्जन स्टूडेंट्स क्या हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको स्टूडेंट ये अच्छे से मतलब समझना है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट डेटा जो हमारा जो स्टूडेंट जो डेटा है, डेटा को स्टूडेंट रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है। जैसे स्टूडेंट हम बात करते हैं, हमने जो है स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि अगर हम फर्स्ट जनरेशन की बात करें कंप्यूटर्स के, तो उसमें स्टूडेंट जो है फर्स्ट जनरेशन में जो लैंग्वेज यूज होती थी वो यूज होती थी मशीन लैंग्वेज। सेकंड जनरेशन में हमने स्टूडेंट असेंबली लैंग्वेज यूज की। थर्ड जनरेशन हमने हाई लेवल लैंग्वेज यूज की। यानी कि मशीन लैंग्वेज स्टूडेंट वो लैंग्वेज होती है जिसको स्टूडेंट कंप्यूटर जो है वो मतलब जो है ठीक से अंडरस्टैंड कर पाता है, उसको ठीक से अंडरस्टैंड करता है और उसको एग्जीक्यूट कर पाता है। आज की डेट में हम हाई लेवल लैंग्वेज का यूज तो करते हैं, लेकिन कंप्यूटर आज भी मशीन लैंग्वेज को ही समझता है। हम उसके लिए कंपाइलर्स हैं, इंटरप्रेटर्स हैं, उनका यूज करते हैं, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट अब हमें ये समझना है कि भाई सपोज दैट मान लो अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट बाइनरी नंबर, जैसे मान लो ये हमारा स्टूडेंट बाइनरी हमारा जो पहला जो नंबर है नंबर सिस्टम में वो है हमारा स्टूडेंट बाइनरी नंबर। अब देखो स्टूडेंट बाइनरी नंबर क्या होता है, बाइनरी नंबर जो होता है वो हमारा जीरो और वन, यानी जैसे मान लो ये एक मैंने एक नंबर लिखा, तो स्टूडेंट ये मेरा एक बाइनरी नंबर है। यानी बाइनरी नंबर में केवल जीरो और वन, यानी आपको दो ही नंबर केवल आपको मिलेंगे जिससे मिलकर ये नंबर मतलब हमारे बनते हैं। तो कंप्यूटर स्टूडेंट बाइनरी नंबर को जो है बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है। अब मान लो हमारे लिए तो कंप्यूटर के लिए बाइनरी नंबर है, लेकिन हम इसको कैसे पता करेंगे कि भाई ये आखिर ये एक्चुअल में क्या है। तो स्टूडेंट्स के कन्वर्जन है उसको जो है हम स्टूडेंट्स अभी जो है हम पढ़ेंगे। सो तो जैसे मान लो हम अगर स्टूडेंट अगर अभी की बात करें, प्रेजेंट की बात करें, तो एवरी डिजिटल सिस्टम वर्क ऑन बेसिक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बाइनरी लॉजिक एंड अकॉर्डिंग टू डिजिटल कंप्यूटर ऑल्सो। सो कंप्यूटर ओवरसीज ऑपरेशन ऑफ एनी डिजिटल डेटा प्रोसेसिंग सीरीज ऑफ इंटरप्ट्स रिक्वेस्ट एंड नंबर्स। सो कंप्यूटर एक्सचेंज डेटा विद अदर कंप्यूटर्स प्रिंसिपल्स एंड सब सिस्टम्स। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि मान लो कि ये कई सारे मतलब नंबर की वो हमारे कई सारे नंबर्स हैं जिसको स्टूडेंट कंप्यूटर जो है वो अलग अलग तरीके से उनको समझता है और उनको एग्जीक्यूट करता है। अब स्टूडेंट मान लो बात करते हैं स्टूडेंट मान लो जो डेटा है, अब जैसे स्टूडेंट हर चीज को स्टूडेंट जो है क्या नाम है मापने की या हम कहते हैं मेजर करने की एक यूनिट होती है, तो इसीलिए डेटा को जो भी है स्टूडेंट मेजर करने के लिए हम यूनिट्स को हम जो है उसमें हम यूज करते हैं। मान लो बिट है, तो बिट स्टूडेंट जो है वो डेटा की सबसे छोटी यूनिट कहलाती है, जिसको हम स्टूडेंट बोलते हैं बाइनरी डिजिट। यानी इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ डिजिटल डेटा रिप्रेजेंटेशन। इट डिफाइंस टू लॉजिकल स्टेट्स डेटा रिप्रेजेंटेशन इक्विवेलेंट रीड सिग्नल, इट इज जीरो एंड वन। यानी बिट में स्टूडेंट हमारे जो है वो दो डेटा की तरह उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जीरो और वन की फॉर्मेट में, जो मैंने अभी आपको बताया बाइनरी नंबर्स में। इफ बिट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट बूलियन वैल्यू, और हाँ अगर स्टूडेंट ये अगर बूलियन वैल्यू को अगर बिट अगर रिप्रेजेंट करेगी तो ये हमारी ट्रू और फॉल्स कहलाएगी, हम उसको ट्रू और फॉल्स की तरह हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट जैसे मान लो हम कह सकते हैं स्टूडेंट बिट जो है वो डेटा की एक यूनिट है जिसमें हम उसको मतलब हम मेजर करते हैं। बिट है जैसे बिट है केवी है यानी किलोबाइट या किलोबाइट है हमारा किलोबिट भी बोलते हैं हम उसको है, तो बिट केवी एमबी मेगाबाइट फिर एमबी के बाद जीबी। ठीक है स्टूडेंट जीबी फिर टीवी यानी टेराबाइट पीवी पेंटाबाइट ईवी यानी एक्साबाइट। तो स्टूडेंट दीज आर द यूनिट इन विच वी हैव टू मेजर द डेटा। ठीक है स्टूडेंट यानी हम कह सकते हैं स्टूडेंट की जो हमारा 8 बिट है यानी कह सकते हैं 1 बाइट यानी जो 1 बाइट है स्टूडेंट हमारा वो हमारा 8 बिट के बराबर होता है। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट यानी 1 बाइट जो है वो हमारे 8 बिट के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट तो ये हमारा बिट हो गया। यानी इसके बाद हमारा आता है निबल। निबल भी स्टूडेंट यानी कि अगर हम मान लो इसको जो है हाफ कर देंगे यानी 4 बिट जो है वो हमारे यानी कि हम कह सकते हैं 1 निबल 1 निबल इज इक्वल टू हाफ बाइट भी हम इसको कर सकते हैं या हम बोल सकते हैं 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट।
ठीक है। तो वन निबल जो है वो हमारे 4 बिट के बराबर होता है, 1 बाइट हमारे 8 बिट के बराबर होते हैं, जो कि स्ट्रिंग जो है वो डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम मान लो बात करते हैं, अब स्टूडेंट बात करते हैं आपके बाइट की, तो बाइट को मैंने स्टूडेंट आपको बता ही दिया कि हम बाइट में जो है हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे हम इसको जरा समझते हैं, मान लो कि हमारा ये एक नंबर है, हमने मान लो स्टूडेंट एक ये हमने एक नंबर दिया 101, एक बहुत ही छोटा नंबर मैंने लिया है। तो स्टूडेंट ये जो नंबर है, ये नंबर स्टूडेंट हमारा जो है वो बाइनरी फॉर्मेट का नंबर है, उसको बाइनरी करते हैं। हमको समझना है कि ये नंबर क्या है, तो उसको स्टूडेंट जो है कन्वर्ट करने के लिए हाईएस्ट स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसको जरा इसके जरा कन्वर्ट को हम जरा समझते हैं। यानी कि हमारा स्टूडेंट जो पहला जो कन्वर्जन है वो है हमारा जो पहला जो हमारा कन्वर्जन है वो है बाइनरी टू डेसिमल। यानी हमें कोई नंबर हमें जो है बाइनरी में दे रखा है, बाइनरी टू डेसिमल, यानी हमें जो है बाइनरी टू डेसिमल में हमें कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, जैसे मान लो कि ये हमारा एक नंबर है, हमें जो है ये नंबर जो है स्टूडेंट हमें किसमें चेंज करना है, हमें जो है बाइनरी में चेंज करना है। तो पहले हम एक काम करते हैं, पहले स्टूडेंट हम एक नंबर लेते हैं, डेसिमल में हम एक नंबर लेते हैं और उसको हम जो है कन्वर्ट आपको करके दिखाएंगे, ठीक है। तो यानी कि सपोज दैट मान लो हमारा जो स्टूडेंट एक नंबर है, मान लो हम लेते हैं 32 हमारा स्टूडेंट एक नंबर है, जो कि इसको हम समझते हैं कंप्यूटर को कैसे समझेगा, कंप्यूटर के टर्म्स में स्टूडेंट ये नंबर कहलाता है डेसिमल, और कंप्यूटर जिसको जो करेगा वो करेगा बाइनरी, यानी डेसिमल हमारे लिए है, कंप्यूटर के लिए बाइनरी है। यानी कि डेसिमल का बेस होता है 10 और बाइनरी का बेस होता है 2, ठीक है। तो हमें जो है ये जो 32 जो नंबर दे रखा है स्टूडेंट, हमें इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, बाइनरी के स्टूडेंट हम फैक्टर्स हम निकालेंगे, 2 1 2, 2 6 12, जो स्टूडेंट इसका रिमाइंडर बचा उसको स्टूडेंट करेंगे, उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। फिर यहाँ बचा 2 8 16, 0 यहाँ बचा, फिर हमने यहाँ पे हमने लिख दिया, फिर हमने कहा 2 4 8, 0 यहाँ बचा, हमने यहाँ लिख दिया, 2 2 4, 0 यहाँ बचा, हमने यहाँ लिख दिया, और 2 1 2, और 0 यहाँ बचा, हमने यहाँ लिख दिया। ये स्टूडेंट जब यहाँ लास्ट में हमारा 1 बच जाएगा, वहां पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम अपनी कैलकुलेशन को हम स्टॉप कर देंगे, यानी हमारे स्टूडेंट ये नंबर्स हो गए, यानी ये जो रिमाइंडर जो बचे। और लास्ट में स्टूडेंट देखिए हमारा ये जो 1 जो बचा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जब 1 बचा तो हमें अपना प्रोसेस रोक देना है, और इन नंबर्स को स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम इस नंबर्स को बॉटम टू टॉप में लिखेंगे, यानी ऐसे करके हम कैसे लिखेंगे, जो हमारे देखिए स्टूडेंट ये जो रिमाइंडर जो बचे हमारे, ये यही रिमाइंडर जो है वो हमारे बाइनरी नंबर्स कहलाएंगे। और स्टूडेंट इन्हीं नंबर्स को जो है हम कैसे लिखेंगे, हम जो बॉटम टू टॉप लिखेंगे, यानी पहले स्टूडेंट्स हमारा जो है जो हमारा जो नंबर जो हमारा आएगा, यानी इस नंबर को जो हम कैलकुलेट करेंगे, है ना, यानी पहले हम क्या करेंगे, पहले हम स्टूडेंट्स लिखेंगे हम अपना 0, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो हम इन नंबर्स को लिखने का जो तरीका है ये भी हम सीखेंगे। तो स्टूडेंट ये नंबर हमारा क्या हो गया, यानी पहले हम लिखेंगे 1, तो 1 0 0 0 0, यानी 3 तो 5 0 है, तो 5 0 स्टूडेंट, यानी ये जो जो 32 जो नंबर है वो स्टूडेंट हमारा बाइनरी में ये नंबर कहलाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए तो ये स्टूडेंट हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया बाइनरी नंबर। अब ये जो हमारा बाइनरी नंबर है इसको स्टूडेंट हम जो है कन्वर्ट करेंगे, हम 32 नंबर को कन्वर्ट करेंगे किसमें, अब हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। तो ताकि हमें जैसे मान लो आपको ये नंबर होता, इसी नंबर को हमें क्या करना है डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हमारा मतलब आंसर क्या है, 32 ही आना चाहिए। तो देखिए हमारा ये जो नंबर है, यानी ये जो हमारा कन्वर्जन स्टूडेंट कराया, ये हमारा कराया डेसिमल टू बाइनरी, ये कन्वर्ट। अब हम क्या करेंगे, बाइनरी टू डेसिमल। आइए तो यहां देखिए ये हमारा कन्वर्जन है बाइनरी टू डेसिमल, यानी ये नंबर हमारा ये 5 0 है, ये हमारा बाइनरी में है और हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, यानी डेसिमल का बेस क्या होता है 10 होता है। तो देखिए ये जो हमारे स्टूडेंट नंबर है 5 0 है, तो हमें 0 स्टूडेंट हमारा छूट गया। अब देखिए अब सही है 3 2 5। अब देखिए स्टूडेंट इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, हम क्या करेंगे, देखिए हमारा की जो देखिए जो 0 है ये हमारे किस तरफ है, ये हमारे राइट हैंड की तरफ है। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, हम जो है इसमें जो उसका लिखने का तरीका वो ये है कि जो राइट हैंड वाला 0 है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 0 से, तो यहाँ इसी नंबर से हम करेंगे स्टार्ट, कोई भी नंबर हो यहाँ पे 0 1 की फॉर्मेट भी होगा, 0 का 1 होगा। तो 0 लिया हमने, 0 × 2 की पावर 0 प्लस अगला 0 ये आएगा, तो 0 × 2 की पावर 1 प्लस 0 × 2 की पावर 2 प्लस 0 × 2 की पावर 3 प्लस 0 × 2 की पावर 4
देखिए पांच जीरो होगा, एक दो तीन चार पांच और प्लस वन इंटू टू की पावर फाइव, ये हुआ स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी हमने क्या किया कि जो भी नंबर्स है उसको जीरो के मल्टीपल में, जीरो के जीरो से मल्टीपल, मतलब जो सारे नंबर्स है उसको टू से मल्टीप्लाई करके लिखा और टू की पावर जो है वो हमारी बढ़ती आ रही है, क्योंकि टू की पावर जीरो, टू की पावर वन, टू की पावर टू, टू की पावर थ्री, टू की पावर फोर, टू की पावर फाइव, ऐसे करके टू की पावर हमारी बढ़ती जाएगी। तो देखिए यहाँ पर टू की पावर जीरो है दोस्तों, जब भी किसी नंबर पे पावर जीरो होती है तो वो क्या होता है, वो हमारा वन माना जाता है। तो टू की पावर जीरो तो ये हुआ वन, यानी वन, यानी तो यानी कि ये हमारा हो गया वन, टू की पावर जीरो तो वन इंटू जीरो जीरो, प्लस टू इंटू जीरो जीरो, प्लस टू की पावर फोर, तो ये से होगा, तो जीरो से कोई भी मल्टीप्लाई होगा हमारा जीरो होता चला जाएगा। अब ये हमारा टू की पावर फाइव है, यानी टू की पावर फाइव मतलब कितना स्टूडेंट हुआ, टू की फाइव मतलब हो गया आपका दो दुनी चार दुनी आठ सोलह दुनी बत्तीस, यानी स्टूडेंट ये हमारा आ गया बत्तीस। तो स्टूडेंट को पूरे जोड़ लेंगे तो स्टूडेंट हमारा जो है वो आ जाएगा बत्तीस, जो कि स्टूडेंट हमारा आंसर है, यानी कि हमारा जो है ये कन्वर्जन हमारा हो गया डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये स्टूडेंट हमारा कन्वर्जन है डेसिमल से बाइनरी में हम कैसे चेंज करेंगे और बाइनरी से डेसिमल में हम कैसे चेंज करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, मान लो अगर हमें डेसिमल से बाइनरी में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर सम करेंगे और फैक्टर्स करने के बाद जो हमारे रिमाइंडर जो हमारी बचती चले जाएंगे उसको हम साइड में लिखेंगे, और फिर जो लिखने का जो तरीका है वो क्या है, बॉटम टू टॉप, यानी बॉटम से यहाँ पे नंबर लिखना हम चालू करेंगे यहाँ से। ठीक है, उसके बाद जब हम इसको चेंज करेंगे बाइनरी टू डेसिमल में, तो इस नंबर्स को जो हम राइट से लेना मतलब चालू करेंगे यहाँ से, और हम उसको टू की पावर में टू से मल्टीप्लाई करके टू की पावर को इंक्रीज करते चले जाएंगे वन बाय वन, और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट ये हमारा कन्वर्जन था डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आगे आने वाले और भी हमारे कन्वर्जन है, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम अभी हमने पढ़ा, ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसिमल, ठीक है, और हम इसको जो है स्टूडेंट हम पढ़ेंगे और हमें हम जो है आगे की क्लासेस में हम इनको पढ़ेंगे और समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट आप जो है लेक्चर को देखें समझें और फिर देख के इसके स्टूडेंट प्रॉपर नोट्स बनाइए और ये कन्वर्जन स्टूडेंट आप समझिए। और भी स्टूडेंट आप नंबर अपने आप मतलब देखिए, मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, उसके स्टूडेंट आप दिखा लीजिए, समझ लो 46 है, इसको स्टूडेंट आप जो है बाइनरी में कन्वर्ट करें, हैं 85 है, इसको स्टूडेंट आप जो है बाइनरी में कन्वर्ट करें और फिर इन्हीं नंबर्स को जो है आप डेसिमल में कन्वर्ट करके देखें, तो आपका यही आपका लॉट यही आपका आएगा। मतलब 46 को बाइनरी में कन्वर्ट करें, फिर आप उसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, तो आपको 46 आना चाहिए, तो आप समझ जाएंगे कि हम जो कर रहे हैं वो सही सही कर रहे हैं। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, 46 डेसिमल टू बाइनरी, ये आपको करना है और इसके आंसर जो है स्टूडेंट आप कमेंट में कमेंट सेक्शन में आप मुझे दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप स्टूडेंट्स लेक्चर को देखिए और उसके देखिए आप नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच।